एक कम इनहेल हाथ ऊपर सर ऊपर, दोए एक्सहेल हाथ नीचे सर नीचे, त्रीनी इनहेल सांस अंदर लेते हुए माथा ऊपर नाक की तरफ देखना है, चतवारी चतुरंगा दंडासना, पंचा ऊर्ध्वमुख श्वानासना, षट अधोमुख श्वानासना, अष्टम, नवा, समस्तिः। नमस्ते, ये सूर्य नमस्कार ए है और इसमें नौ विन्यासा होती है। नौ विन्यासा का मतलब है इसमें नौ स्टेप होते हैं, जिसमें हर एक मूवमेंट के लिए एक ब्रेथ होता है और एक दृष्टि होती है। तो इसे सीखने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप इसे समझाते हुए आज हम सूर्य नमस्कार ए सीखेंगे। शुरुआत में हम मैट के आगे समस्थिति में खड़े होते हैं, फिर हम करते हैं एकम। एकम, सांस अंदर लेते हुए हमारे हाथ ऊपर की ओर जाएंगे और हम अंगूठों की तरफ देखेंगे। एकम करते वक्त हमारे जो हाथ हैं वो जुड़े होंगे और हमारी जो उंगलियां हैं वो भी जुड़ी होंगी। हमारे जो अंदर का भाग होता है वो भी जुड़ा होगा। तो हमें शुरुआत कैसे करनी है इसकी, पहले हम हमारे ये जो नीचे का पार्ट है इसे जोड़ेंगे, फिर हमारी उंगलियों को जोड़ेंगे, फिर हमारे जो टिप्स होते हैं ऊपर का भाग इसे जोड़ेंगे और उंगलियों को पास में ले जाकर ये कंप्लीट होगा एकम का शुरुआत। एकम, हाथ ऊपर, द्वे, हाथ नीचे सांस छोड़ते हुए माथे को घुटनों पे लगाना है। अब द्वे करते वक्त हमारे जो पैर है उसमें हमें कसाव महसूस हो सकता है, तो हम उस केस में घुटनों को बेंड रखेंगे। हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमारे हाथ यहाँ से लेकर यहाँ तक कम्प्लीटली नीचे टिके हो, जिससे हमें हाथों पर वजन लेने की आदत लगती है और जो हमारे शोल्डर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो द्वे एक्सहेल घुटनों पे माथा, त्रीनी इनहेल, अगर पैर सीधे करने में परेशानी होती है तो हम उसको बेंडी रख सकते हैं। त्रीनी इनहेल माथा ऊपर, नासिका पे देखना है, नासिका की टिप पे देखना है, चतवारी पीछे चल के जाना है, चतुरंगा दंडासना में। अगर हमें चतुरंगा दंडासना करने में परेशानी होती है तो हम हमारे घुटनों को मोड़कर सिर्फ हमारे कंधों को, हमारे जो एल्बो है वो मोड़कर हम अंदर की ओर लेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, जिससे हमें हमारे हाथों पे वज़न फील होगा। हम हमारे घुटनों को मोड़, एल्बोस को मोड़कर अंदर की ओर रखेंगे और आगे जाएंगे। अगर आज के लिए इतना होता है तो इतना ही करेंगे, धीरे धीरे आप में स्ट्रेंथ बिल्ड होगी और आगे जाने में। तो आज हम इतना ही करेंगे। चतवारी, पैरों को सीधा करते हुए, पैरों के उंगलियों को बाहर निकालते हुए हम ऊर्ध्वमुख श्वानासना करेंगे, जिसमें हमारे कंधे पीछे की ओर जाएंगे। सांस अंदर लेते हुए ऊपर देखना है, षट, एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासना में आना है।
इसमें हमें हमारे पैर एडजस्ट करने हैं ताकि पैरों पर और हाथों पर समान वजन हो। नाभि की ओर देखना है और एडी को मैट पे दबाना है। अगर इसमें भी पैरों के पीछे कसाव महसूस होता है, खिंचाव महसूस होता है, तो सीधे हम बेंड कर सकते हैं। यहाँ पे 5 लंबी गहरी सांसें लेनी है, 1 2 3 4 5 सप्ताह। सांस अंदर लेते हुए हाथों के बीच चल के आना है, सर माथा ऊपर, नाक की तरफ देखना है। सांस छोड़ते हुए माथे को घुटनों पे लगाना है। नवा हाथों को जोड़ते हुए ऊपर आना है, सांस अंदर लेनी है। समस्थिति। जब हम आसना की शुरुआत करते हैं सूर्य नमस्कार ए से, तो हमें इसका ध्यान रखना है कि हम हमारी सांस जो है वो नाक से लें, मुंह हमेशा बंद होना चाहिए। शुरुआत से लेकर एंड तक हमारा मुंह हमेशा बंद रहेगा और हमें हमारे सांसों पर ध्यान देना है, जिससे हमारा इन्हलेशन, जो सांस अंदर लेने की प्रक्रिया होती है और सांस बाहर छोड़ने की प्रक्रिया होती है एक्सहेलेशन, वो समान हो। समान इन्हलेशन, समान एक्सहेलेशन। और जब शुरुआत में अगर हमें स्टेप्स करने में परेशानी होती है तो हम हमारे घुटनों को मोड़ सकते हैं। हमारे धीरे धीरे हमारे में स्ट्रेंथ डेवलप होगी, जिससे हम ये एक सांस में, जैसे सांस अंदर लेते हुए एक सांस में एकम कर लिया, दूसरी सांस में द्वे कर लिया, तो ये करने में थोड़ा वक्त लगेगा, बट निरंतर अभ्यास से ये पॉसिबल होगा। ठीक है, धन्यवाद।